के न्यूज खबरों की नई पहचान। शहर के सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा सिमलडी में सोमवार के दिन एक लोहा गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में भय और दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घनी आबादी में पिछले कई महीनों से एक लोहा गोदाम का संचालन कुछ दबंग लोगों द्वारा किया जा रहा था। गोदाम में आग से बचाव के कोई भी उचित संसाधन मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह से आसपास के घरों में आग फैलने लगी तो स्थानीय लोगों ने बाल्टी और घरेलू सामानों से आग बुझाने में लग गए, जबकि दमकल विभाग को पहुंचने में 45 मिनट से ऊपर का समय लगा। इसके पीछे का कारण यह था कि मुख्य सड़क से गोदाम तक आने वाला मार्ग अतिक्रमण से पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि मौके पर दमकल पहुंचकर आग को काबू पा लिया गया। इस दौरान आसपास के हजारों लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका, लेकिन आग से किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं होने की सूचना है। पर है जो आग लगी है, आग किस तरह लगी है ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जब पता चला कि आग लगी हुई है, इस बीच जब फायर ब्रिगेड वाला कॉल किया गया, उसमें फायर गाड़ी आने में इतनी असुविधा हुई कि तेलीपाड़ा रोड में जाम के कारण इतनी असुविधा हुई कि गाड़ी आने में बहुत लेट हुई, इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कितना देर में आग लगने, कितना देर बाद गाड़ी आया? एक घंटे बाद आई गाड़ी। एक घंटे बाद आग तो पहले लगी थी, मुझे जब पता चला उसके एक घंटे बाद गाड़ी आई। अच्छा, वो जाम में फंस गया? जाम में गाड़ी फंसी हुई थी तेलीपाड़ा रोड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश राव हुआ है।